सैन्य शक्ति और सामरिक दृष्टि के आधार पर भारत देश दुनिया में चौथा स्थान पर है। इसके पास अनेक एडवांस और बेहद उम्दा हथियार और युद्ध के साजो सामान मौजूद हैं, जिससे पड़ोसी शत्रुओं में डर हो जाना लाजमी है। भारत ये जानता है कि अब शक्ति का अर्थ जवानों की वीरता के साथ हथियारों की क्षमता और कुशलता भी है। आइए जानते हैं तकनीकी रूप से उन्नत भारतीय सेना की वो हथियार कौन सी हैं जिन्हें पूरी दुनिया अपनी ललचाई हुई आँखों से और दुश्मन भय की आँखों से देख रहे हैं। फैल्कन अवाकस एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का संक्षिप्त नाम अवाकस AWCS, जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट शिप और वाहनों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। भारत अपनी वायु क्षमताओं को मजबूत करने के लिए स्वदेशी वायु क्षेत्र चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली अवाकस विकसित कर चुका है। इस परियोजना के तहत अधिक क्षमता वाले राडार IL-76 या बोइंग जैसे शक्तिशाली विमानों के ऊपर लगाए जाते हैं। फिलहाल एयरफोर्स 3 फाल्कन अवाकस संचालित कर रहा है, जिसे इसराइल से खरीदा गया था। ये अवाकस रूसी विमान IL-76 के ऊपर लगाए गए हैं। DRDO अवाकस के छोटे प्ररूप को भी विकसित कर रहा है, जिसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEWMC प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास दुनिया के एडवांस अवाकस मौजूद हैं, जिनमें से 3 सक्रिय सेवा में हैं। एक A-50 फाल्कन अवाकस है, जो इजरायली LTEL-W2090 राडार से सुसज्जित है। किसी एयरक्राफ्ट शिप वाहन के खोज अभियान के समय इसके राडार सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग करने में सक्षम है। कंट्रोल सेंटर से निर्देश हासिल करने में सक्षम ये अपने लक्ष्य को 400 किलोमीटर के दायरे में तलाश कर सकता है। इसमें एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है। T-90 भीष्म टैंक। रूस द्वारा भारत के लिए निर्मित T-90 टैंक को भीष्म नाम दिया गया है। T-80U और T-90U को मिलाकर बनाया गया भीष्म टैंक फायर कंट्रोल सिस्टम और मोबिलिटी के मामले में सबसे उम्दा है। बिना किसी मरम्मत के 3 दशकों तक इन टैंकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इन टैंकों में सबसे अधिक एडवांस जैमिंग सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर, दिन रात स्पष्टता से देखने वाली तकनीक आदि इंस्टॉल किए गए हैं। 3 जवानों की क्षमता वाले भीष्म टैंक का वजन 48,000 किलोग्राम है। 1600 लीटर ईंधन की क्षमता वाले ये टैंक रात में नदियों को भी पार कर सकता है, यानी 5 मीटर की गहराई तक पानी में भी चल सकता है। इसे मैन्युअली और रिमोट दोनों ही माध्यमों से संचालित किया जा सकता है। ऐसे 700 टैंक रूस से खरीदे गए थे, जबकि 347 टैंकों का निर्माण अब भारत में ही हो जा रहा है। INS चक्र। रूस द्वारा निर्मित ये एक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला सबमरीन है। ये सबमरीन लगातार कई दिनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम है, जबकि आमतौर पर पुराने सबमरीन को रोज़ाना कम से कम एक बार पानी की सतह पर आना होता है। 80 सैनिकों की क्षमता वाली इस सबमरीन में 36 टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइल लगे हैं। 0 नॉइज लेवल यानी बिल्कुल आवाज़ नहीं करने वाले इस सबमरीन को बड़ी रकम चुकाकर रूस से खरीदा गया है। भारतीय नौसेना में INS चक्र का शामिल होना हिंद महासागर में अपनी ताकत को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा। इसको 100 कर्मियों की सहायता से 5000 किलोमीटर दूर रूस के व्लादिवोस्तोक के रास्ते जापान, चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया के समुद्र तल से होते हुए गोपनीय रास्ते से यहां लाया गया। यही इसकी ताकत और टिकाऊ क्षमता का पहला प्रदर्शन है। सुखोई SU-30MKI। इंडियन एयरफोर्स में मौजूद मिंग और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों का दौर बीत रहा है, और अब सुखोई SU-30MKI को इसमें शामिल किया जा रहा है। इस लड़ाकू विमान को भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि मूल रूप से इसे SU-30MK ने विकसित किया, लेकिन भारतीय ज़रूरतों के मुताबिक इसे भारत में नए सिरे से डिज़ाइन किया गया, जिसके कारण इसके नाम के आखिर में आई जोड़ा गया। ये विमान अपने साथ 8 टन हथियार लेकर जा सकता है, और जल्द ही इसे ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम।
पिनाका MBRLS मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का उत्पादन भारतीय सेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा किया गया। ये बेहद ठंडे और पहाड़ी इलाकों के लिए उपयोगी है। सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ये उपयोगी साबित हो चुका है। ये महज 44 सेकंड में 40 से 65 किलोमीटर की रेंज तक 12 मिसाइल दागने में सक्षम है। खास वाहनों पर लोड पिनाका में मोशन सेंसर और रोटेशन सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी चलती फिरती चीज़ों को निशाना बनाया जा सके। इसे कई मोड में संचालित किया जा सकता है। DRDO इसमें GPS गाइडेड मिसाइल को सेट करने पर काम कर रही है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सटीक बनाया जा सके। साथ ही इसकी रेंज को बढ़ाते हुए 120 किलोमीटर तक किया जा रहा है। AAD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान और चीन से सेंसिंग बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनज़र भारत ने BMD डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया। बैलिस्टिक मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसे बेहद कम समय में निर्देशित किया जा सकता है। BMD सिस्टम से 5000 किलोमीटर से किसी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। BMD में दो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, ज़्यादा ऊंचाई के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस PAD मिसाइल और कम ऊंचाई के लिए AAD मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम से युक्त इस संदर्भ में भारतीय सेना दुनिया में चौथे स्थान पर है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसमें किए जाने वाले अनेक सुधारों के बाद वर्ष 2017 में भारत दुनिया का एकमात्र देश हो गया जिसकी जल थल और वायु सेना तीनों ही को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता हासिल हो। इसी श्रेणी के अन्य मिसाइल के मुकाबले ब्रह्मोस की वेलोसिटी और फ्लाइट रेंज 3 गुना ज़्यादा है। फिलहाल देश में सालाना ऐसे 100 मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। INS विशाखापट्टनम। ये एक उन्नत डिस्ट्रॉयर है जिसे वर्ष 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। 163 मीटर लंबा और 7300 टन वजनी इस पोत पर 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल 32 बाराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल समेत अनेक आधुनिक हथियार मौजूद हैं। समुद्र में ये एक साथ कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। नाग मिसाइल कैरियर। नाग DRDO द्वारा विकसित एक मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। इस एंटी टैंक मिसाइल को दुनिया के सर्वाधिक टैंक विध्वंसक मिसाइलों में शामिल किया जाता है जो पूरी तरह से फाइबर ग्लास का बना है। इसका वजन महज 42 किलोग्राम है और इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इसे 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 4 से 5 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को भेदा जा सकता है। नामिका नाग मिसाइल कैरियर है जो अपने साथ 12 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है जिनमें से 8 रेडी टू फायर मोड में होते हैं। INS विक्रमादित्य। 284 मीटर लंबे इस युद्धपोत पर MiG-29 के कामोव 31, कामोव 28 समेत समुद्री निगरानी के लिए 6 AWS हेलीकॉप्टर तैनात हैं। 45,000 किलोग्राम वजन का ये युद्धपोत भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी करने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस युद्धपोत में सेंसर सेट किया गया है जिसके कारण इसे एयरबोर्न राडार सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। हालांकि रूस से इसकी खरीदारी 2004 में ही तय की गई थी लेकिन इंडियन नेवी में आधिकारिक तौर पर इसे जून 2014 को शामिल किया गया था। इस युद्धपोत का लाइफ स्पैन करीब 40 वर्ष बताया गया है।